हेलो बच्चों, बॉटनी में पेपर थर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे कि PCR, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जीनोमिक लाइब्रेरी और जीन सीक्वेंसिंग। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अल्टीमेटली हमें इसमें क्या करना है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स करने हैं बाय कटिंग, बाय एडिंग और मॉडिफाइंग द जीन, यानी कि जीन्स को वर्थ वाइल इन तीन प्रोसेस के थ्रू करना है, जिसके लिए हमें इन टूल्स की आवश्यकता होती है। PCR, RT-PCR के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज डिस्कस करेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको निम्न टॉपिक में हम कवर करेंगे, फर्स्ट है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, टाइप्स, नॉमेनक्लेचर, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, एंड्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। डेफिनेशन में यदि आप देखेंगे, इस नाम को स्प्लिट करने के बाद पता चलता है कि ये बेसिकली एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन है जो कि रेस्ट्रिक्टेड साइट पे काम करेगा। एंजाइम किस तरीके का है, क्लीविंग टाइप एंजाइम है या न्यूक्लियेज टाइप एंजाइम है, और भी यदि हम इसके डिप में जाते हैं तो एंडोन्यूक्लियेज, यानी कि मॉलिकुलर लेवल के या जिस मॉलिक्यूल पे इसको एक्ट करना है, एट द मिड ऑफ द पार्ट ये एक्ट करेगा। और इस नाम के आगे रेस्ट्रिक्शन लिखने का मतलब है कि ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन या रेस्ट्रिक्टेड साइट पे काम करेगा। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हुई। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्लीविंग न्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज टाइप एंजाइम दैट क्लीव द DNA into fragments at a specific recognition or restricted site. Second point है, played key role in RDT, यानी कि recombinant DNA technology में इसका key role होता है। Next है obtained through the some microorganism, यानी कि कुछ microorganism, यानी कि bacteria और some prokaryotic cell से ये जो है restriction enzyme को प्राप्त किए जाते हैं, different type के restriction enzyme को। इनके एक्शन के अकॉर्डिंग आर्बन ने इनको दो तरीके से इसकी एक्टिविटी को डिफाइन किया था। फर्स्ट है क्लीव द फॉरेन DNA, जब इसके ऊपर किसी फॉरेन DNA का अटैक होगा तो उसको क्लीव करने के, उसके अटैक को ख़त्म करने के लिए इसका काम होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। दूसरा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन सिस्टम भी होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक DNA का फ्रेगमेंट है जिसको दिखा रखा है, और ये रेस्ट्रिक्शन साइट पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके जुड़ गया है और इसने बाय प्रोडक्ट के रूप में दो फ्रेगमेंट DNA के दे दिए हैं। अब इसको जो है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इसके एक्शन के अकॉर्डिंग आप ऐसे देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है जिसका ये बैक्टीरियल जीनोम है, जिसके द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त किया जाएगा इसके द्वारा, या ये लिबरेट करेगा, और इसके ऊपर ये वायरस का अटैक है और ये इसका जीनोम है, फास का जीनोम है। जब वायरस का अटैक होता है तो वायरस का जो जीनोम है वो एंटर कर चुका है बैक्टीरियल सेल में। जब ये बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है तो इसके दो तरीके से फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे स्टार्ट होगा, ये बैक्टीरियल जीनोम को दिखा रखा है और ये कुछ साइट्स हैं जिसके द्वारा रेस्ट्रिक्शन 1 और रेस्ट्रिक्शन 2 एंजाइम को जो है वो प्राप्त किया जाएगा या रिलीज होंगे वो एंजाइम जो है। फर्स्ट एक्शन के रूप में इसने जो है फॉरेन DNA यानी कि फास्ट DNA के ऊपर, इसके ऊपर अटैक किया है और इसको जो है डाइजेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर चुका है ये। वहीं पे नंबर 2 के एक्शन में जब ये फॉरेन DNA को डाइजेस्ट कर सकता है तो ये अपने DNA को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो इस सुसाइडल अटैम्प्ट को रोकने के लिए इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है। वो जो मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है मोस्ट कॉमनली बाय मिथाइलेशन होता है, यानी कि इस बैक्टीरियल जीनोम पे मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है और ये इंडिकेट करता है एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कि नहीं, मैं तुम्हारा ही पार्ट हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन सिस्टम के थ्रू अपने आप को सेव करते हैं, यानी कि फर्स्ट एक्शन में इसने डाइजेस्ट किया फॉरेन पार्टिकल को और सेकेंड अटैम्प्ट में इसने अपने आप को पैरेलली सेव किया बाय मिथाइलेशन। इस तरीके से इसके आर्बर के अकॉर्डिंग जो है दो तरीके से एक्शन प्लान होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की टाइप्स, बेसिकली ये तीन तरीके के होते हैं, 1, 2 एंड 3। यदि इनका कंपैरिजन करें तो टाइप 1 और 3 जो होते हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, जबकि टाइप 2 नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। टाइप 1 और 3 मल्टीमेरिक प्रोटीन होते हैं, तो ये होते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन। 1 और 3 जो होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीविंग एज वेल एज मॉडिफिकेशन डीएनए या मॉडिफाइंग डीएनए, दोनों एक्शन होते हैं इनके, और ये रिक्वायर करते हैं एटीपी और मैग्नीशियम एन को, दोनों को एक्शन के लिए, और लेस कॉमन और लेस नोन होते हैं। यहीं पे कॉन्ट्रेरी यदि हम देखें तो ये क्लीविंग टाइप एंजाइम होता है, रिक्वायर ओनली मैग्नीशियम एन फॉर एक्शन, और मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल रिकॉग्नाइज टेट्रा पेंटा हेक्सान हेप्टा सीक्वेंसेस, यानी कि इतने लेवल के सीक्वेंसेस को ये आइडेंटिफाई करता है, और मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो टाइप 2 होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाए गए हैं, ये एग्जांपल जैसे कि नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये उसका टारगेट सीक्वेंस है, और टाइप ऑफ डीएनए एंड किस तरीके के एंड्स देंगे। फर्स्ट है इको R1 जो कि प्राप्त किया जाएगा एशरिशिया कोलाई के द्वारा, और इसका टारगेट सीक्वेंस होगा जी और ए के बीच में, और एंड देगा 5-HT एंड। वहीं पे H3 जो है हीमोफिलस एजिटिकस से प्राप्त किया जाएगा, और इसका जो है वो GG GC के बीच का सीक्वेंस जो है वो वहाँ कट करेगा, ब्लंट एंड देगा। वहीं पे H3 है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किया जाएगा, और AA और G के बीच का कट होगा और 5-HT एंड देगा। LU1 जो है ऑर्थोबैक्टर लुटियस से प्राप्त किया जाएगा, और A और G के बीच का कट करेगा और 5-HT एंड देगा। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो ये इसके टाइप हैं, मोस्ट कॉमन 1, 2, 3, और ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये इतने एग्जांपल ना देके आप 2 भी एग्जांपल दे सकते हैं, एनफ होगा। नेक्स्ट आप देखिए नॉमनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। नॉमनक्लेचर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3-लेटर कोड को जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट लेटर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड और थर्ड लेटर स्पीसीज को इंडिकेट करता है। इसमें देखिए आप इको R1 और इको R2, यानी कि ई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एशरिशिया को, सी ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कोलाई को, आर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को, यानी कि सब्सिक्वेंट लेटर जो है इंडिकेट करेगा स्ट्रेन को, और 1 और 2 इंडिकेट कर रहे हैं सेम स्ट्रेन से प्राप्त होने वाले डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस। इस तरह से हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप जो है नॉमनक्लेचर कर सकते हैं, जैसे LU1 है। नेक्स्ट देखिए आप रेस्ट्रिक्शन साइट एंड टाइप्स ऑफ एंड, किस तरह से ये काम करते हैं साइट्स पे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड बेस कॉम्पोजिशन, डिस्कस कर चुके हैं। सम रिक्वायर एग्जैक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, एग्जाम्पल टाइप सेकेंड टाइप है ये, और इको R1 जो है कट करेगा GAATTC। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होते हैं यदि उसको रीड करोगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम रीडिंग में आएगा, तो GAATTC यदि 5 to 3 है तो 3 to 5 आएगा, GAATTC 3 to 5 आएगा। तो सम को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट करते हैं, जबकि कुछ को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है जनरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल नॉट कट ऑन डीएनए मिथाइलेशन, यदि हो जाता है तो वो वहाँ पे कट नहीं करते हैं, डिस्कस करा अभी, और जबकि कुछ जो है वो कट कर देते हैं। ये है नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द सेम सीक्वेंस, जैसे AH3 एंड RE1 कट TTTAA, यानी ये जहाँ भी सीक्वेंस अवेलेबल होगा ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की पॉसिबिलिटी है उसको कट करने की। तो ये इसका नॉमनक्लेचर हुआ, और ये इसकी कुछ साइट्स हुई और टाइप्स ऑफ एंड्स हुए। नेक्स्ट देखिए आप, ये दो तरीके के एंड जो हैं वो प्राप्त होते हैं, स्टिकी एंड एंड ब्लंट एंड, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देता है। यहाँ पे देखिए ये डीएनए का डीएस फॉर्म में सेगमेंट दिखा रखा है, जी से लेकर ए तक और सी से लेकर टी तक, यानी 3 to 5 और 5 to 3। इको R1 ने कट किया जी और ए के बीच में यहाँ पे, और यहाँ भी ए और जी के बीच में कट किया। तो इस तरह से जब ये स्टैगर्ड कट करता है तो दो तरीके के हमें डीएनए सेगमेंट जो है वो प्राप्त होते हैं। ये जो डीएस सेगमेंट जो होता है
वो स्टिकी एंड में एक साइड में आपको CSS फॉर्म में जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि ये जो एंड है TTAA ये स्टिकी एंड है, यानी कि ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो प्राप्त किया गया एंड है, इसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं और ये बहुत अच्छा एंड माना जाता है फॉर एक्शन के लिए। इधर इसी तरह से ये AATT जो है इसका जो है वो स्टिकी एंड है। तो स्टिकी एंड या स्टैगर्ड एंड एक ही बात है। ये जो एंड्स होते हैं जनरेट सिंगल स्टैंडर्ड स्टिकी एंड्स, जैसे कि ये वाला जो है सिंगल स्टैंडर्ड है, यूजुअली क्रिएट 5-phosphate and 3-OH एंड्स पे प्राप्त होते हैं एंड मोर यूजफुल एंश्योर द इंसर्शन इन टू द प्लाज्मिड इन राइट डायरेक्शन। इनके एंड्स प्राप्त होने के बाद में इनकी इंसर्शन जो होता है वो इंश्योर कर दिया जाता है। इधर वैसे ही देखिए आप, ब्लंट एंड जो है ब्लंट एंड के रूप में ये SMA1 जो है वो काम कर रहा है, SMA1 यहाँ पे इसने C और G के बीच में कट करा और यहाँ पे भी G और C के बीच में कट करा। कट करने के बाद ये जैसे एक एंड प्राप्त हुआ, ये दूसरा एंड प्राप्त हुआ, लेकिन ब्लंट है C और G जो है कोई भी इस तरीके से इसका कॉर्नर जो है वो स्टिकी नहीं है, बिल्कुल ब्लंट है, पैरेलल है, इसलिए इसको ब्लंट एंड बोलेंगे। तो ये 5-3, 3-5, 5-3, 3-5 इसको हम ब्लंट एंड बोलेंगे। ब्लंट एंड की क्या खास बात है, कट एट द सेम पोजिशन, एग्जाम्पल है हिन सेकेंड और ही थर्ड। तो इस तरीके से जो है इनके एक्शन के बाद जो है वो दो तरीके के एंड समय प्राप्त होते हैं, स्टिकी एंड एंड ब्लंट एंड। तो ये आपका पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हुआ, जो कि हमने कुछ टॉपिक में इसको कवर किया और इसकी इम्पॉर्टेंस हमें पता ही है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ही RDT की इम्पॉर्टेंस बढ़ी है और जेनेटिक इंजीनियरिंग की इम्पॉर्टेंस है। ये यदि हम उसकी इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करें, इम्पॉर्टेंस पे आपके क्वेश्चन आए, तो आप सारी इम्पॉर्टेंस जो है वो RDT की इम्पॉर्टेंस इसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स गाइज़।